नहीं बोलना नहीं था ना आपका। देखो नेमाने साहब, यहाँ पर मजलिस से त्याग मुस्लिमीन के जो आपको पदाधिकारी दिख रहे हैं, ये एक एक आदमी के पीछे 5-5-10,000 लोग, तो आप ऐसा समझिए कि पूरा शहर आया और हम यहाँ आके फोटो खींच के जाने का हमारा कोई मूड नहीं है। महानगर पालिका प्रशासन अगर आते हैं तो बारिश चल रही, दूसरी तरफ सिड़को हड़कों में तुम डामरीकरण का काम कर रहे, हमने अगर बोले तो मट्टी लाके डाल देते और पानी के साथ वो भर जाती। पानी का मामला ये है वाटर सिस्टम का कि कई मरतबा बोलने के बावजूद भी जो तो मिक्सिंग पानी आ रहा नहीं आ रहा। आप मेरे को ये बताओ, आप आपके माता पिता को खड्डे भरे रोडों पे लेके, आप आपके बच्चों को गंदा पानी पिलाएंगे क्या? नहीं पिलाएंगे ना सर। कि आप एक जिम्मेदार है, और अगर आस्तिक कुमार पांडे साहब बहुत आईएएस कहते हैं अपने आप को स्मार्ट सिटी के नाम पे, जो तो खाम नदी के पास पेंटिंग कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के करोड़ों रुपए को, तुम के पोल लगा रहे, तुमको पुरता करना है फंड को, तुम्हारे को यूज करना है। आप सराफी की रोड पे चले कभी पुलिस स्टेशन जाते वक्त, पूरा सराफा जो गांधी पुतले से पूरा खराब सिटी चौक। अरे क्या लगा रहे स्मार्ट सिटी के नाम पे? आपको है ना निवेदन देने, ये आपसे डिमांड करने नहीं आए, वार्निंग देने आए आप लोगों, खुला खुला पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे है, ये लोगों के हित का मामला है। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिए तो मैं पीआई साहब भी यहाँ खड़े हुए, देखो जनता की आवाज है, लोग है ना अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार आप सोच रहे होंगे कि वहाँ आप वो बनाएंगे, आपको हमने आपको रोडों की लिस्ट दिए हुए, चंपा चौक से रोशन गेट, कटगढ़ गेट, ये मकई गेट का हाल देखे आपने, बीबी का मकबरे को जाते वक्त, ये आपके बाजू के अंदर ये जो ब्रिज है वहां देखे आपने, देखो ना जरा थोड़ा सा। मैं तो आपके जो अधिकारी है कंसर्न, ये ऑफिसों में बैठ के क्या इनको खाली बैठ के पगार देने के लिए रखे गए इनको? अरे उसको उतारो ग्राउंड के ऊपर, हर वार्ड का क्या इशू है, जो मेजर इश्यूज है उसको मंगाओ, उसको आप महानगर पालिका के कमिश्नर के पास, आप सेकंड रैंक के आदमी है, आपने जाके उसको बोलना चाहिए कि ये अर्जेंट बेसिस के काम, खाली बैठे है अपना टाइम जा रहा, अपना टाइम खत्म हुआ, घर को गए, अपना पगार आई 1 तारीख को बस हो गया अपना, ये नहीं चलने वाला, रिलैक्स रखते रहते, लेकिन यहाँ की जनता बैठने वाली नहीं और हम बैठने वाली। सस्पेंशन के बाद 5 जने को तुम एक्सटेंशन दे रहे हो, क्या तरीका है सर? इंक्वायरी चल रही, इंक्वायरी कर रहे हैं, हाई के अधिकारी कर रहे हैं, दे लेके वापस चलो, किसी में दोषी है, हर चीज में दोषी है, सईदा कॉलोनी में आप इलेक्शन क्यों लगाते? वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो एक घर में चलने की जगह नहीं है, मुजफ्फरनगर, हरसूल, हाँ ये यहाँ पे भी मैंने नगर का एक बताया, चलने को लगाते हैं टाउन हॉल के ऊपर, चलने को आप इलेक्शन क्यों ले रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं, जब मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते हम लोग तो क्या काम की मानो पर। और आप जो बता रहे ना हमारे को जो रोड बन रही है 100 करोड़ में बन रहे हो, 150 में सब राज्य शासन का है, हमारे पास के पैसे और हमारे पास के टैक्स की चोरी हो रही, ये खुले आम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर टैक्स चोरी नहीं होता तो शहर डेवलप होता था हमारा, क्या वजह है जो 25 साल के अंदर आज भी वही गड्ढों के अंदर कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, उसके बस्ते बस के भी 20-20 साल हो गए, 25 साल हो गए। काम करो आप कुमार पांडे साहब को स्पीकर ऑन करके बात करो, ये लोग यहाँ से हल्ले नहीं बोलना, नहीं तो वो उसके पास प्रॉब्लम क्या है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे सर सुनने को तैयार नहीं है ना, बोलूंगे बोलो ना, हमारी मीटिंग कराओ, यही बोल रहा हूँ, जनप्रतिनिधि रोड कब तक बनेंगे, समस्या कब तक हटेंगे, और हमको ये लॉलीपॉप अभी नहीं होना सर, नेमाने साहब ये लॉलीपॉप देना बंद करो कि हम लोग इसका एस्टीमेट बना रहे, टेंडर निकालेंगे और ये रोड बनेंगे, वो नहीं, 67 आज की डेट में हमारे मंत्री हमारे हटे भटका, आज की डेट में उसको बंद होना चाहिए। मैंने टेंडर हुआ, और सर आप एक बात और ध्यान से निकालो, मजलिस से सियादुल मुस्लिमीन मुस्लिम इलाकों के लिए नहीं आई हुई, पूरे औरंगाबाद शहर के लिए आई हुई है, पानी की समस्या, आप वीआईपी इलाकों में डामरीकरण कर दे रहे, फिल्म के तरफ प्रॉब्लम की तरफ कर दे रहे, एक जन बात करो ना, एवढ्या वर्षापासून मागणी होती, रस्त्याची मागणी होती, पाण्याची मागणी होती, मग आपण करता काय एवढ्या वर्षापासून? खर्चा तो रोक दिए, खर्चा जो था आपका आपने एस्टीमेट कैंसिल कर दिए, वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिए, आपने जितने भी एजेंसी फिक्सिंग के काम थे वो कैंसिल कर दिए, वो करने के बाद में आप टैक्स तो वसूल कर रहे हैं, टैक्स तो बाकी दे रहे नहीं, अच्छा कॉन्ट्रेक्टर को उनके पहले पैसे निकाल रहे, जो डुप्पल के बिल आए डुप्पल के बिल उनके निकाल दे, अरे सारी चीजें हमारे सामने है साहब, इससे ज्यादा हम लोग बोलेंगे नहीं, हमारे को पूरी उम्मीद है कि आप कमिश्नर साहब से इस बात में मीटिंग करेंगे, हमारे पांच से पदाधिकारी को बुलाएंगे और हमारे काम लिख के लेंगे, और वो काम हमारे को 8 दिन में नहीं करे
तो सर हम अगले 8 दिन के बाद में यहाँ से हलेंगे नहीं। हम पुलिस प्रशासन के सामने आपको ये वार्निंग दे रहे हैं, हमारे आईबी के लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम यहाँ पर जनता की समस्या लेकर आए हैं, कोई जाति काम लेकर नहीं आए, और ये हमारे पे जिम्मेदारी बनती क्यों तो हमको वोट देते, और हमारे नेता का हमको आदेश है कि लोकतांत्रिक तरीके से तुमको कैसे झुकाना है, महाराष्ट्र प्रशासन को झुकाओ और हम उसको हर हालत में झुकाएंगे। अगर 8 दिन के अंदर अगर डामरीकरण करना है, मट्टी नहीं डालना, हमको मट्टी नहीं डालना, ना मुरम डालना, मुरम ना मट्टी, वो भी सिस्टम करना, हम बताएंगे। वो ऐसा आके जो चौपड़ रहे कर रहे ना, और नहीं तो वो कॉन्ट्रेक्टर को ब्लैकलिस्ट करो आप, कि जो कॉन्ट्रेक्टर आपको बेवकूफ बना रहा है या आपके अधिकारी के साथ उसकी साठगांठ चालू है, उसको ब्लैकलिस्टेड करो आप। सर मदनी चौक का टेंडर निकल गया, 4 करोड़ रुपए का काम है, आप बोले तो अभी जाके काम है सर, हमारी बात जो है कमिश्नर साहब तक पहुंचाई और उसका अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो पीआई साहब और सारा प्रशासन फिर से और राइटिंग में लिख क्या उनसे रोड कब शुरू करेंगे, इंटरनेट हमारे पहले डिमांड देंगे, हम पानी गंदा पानी आ रहा पूरे शहर का, वार्ड की हमारे पूरा वार्ड सजाओगी बोलेंगे, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है वहाँ के वार्ड के वो देंगे हर वार्ड के, और वो करना पड़ेगा। ये हमने आपको सिर्फ एक सर्सरी में, ये हर वार्ड का सर्वे है सर, ये पूरे नगर से वो लेटर आपको मिलेंगे किस किस वार्ड में क्या क्या समस्या है। अच्छा प्रॉब्लम अधिकारी क्यों नहीं जा रहा आपका फील्ड पर, फोन नहीं उठा जब नगर सेवक ग्राउंड पे नहीं है, अगर उन्हें आपके पास लेके जा रहा अधिकारी का काम है ना। और साहब एक चौकसी लगाओ के क्या प्रॉब्लम है सर भाई, एक चौकसी ये लगाओ कि इनको कमिश्नर साहब को सजेशन दो जरा, कि कमिश्नर साहब के साथ आपकी मीटिंग कर रहा हूं, उनके पास टाइम नहीं है, भैया आपने तो हम अगले मंडे फोन कर दूंगा, तेजस्वी देखा 4-5 पदाधिकारी आ रहे हैं, हम खुला पहले अल्फाज हमारी ये थे कि हम आपको रिक्वेस्ट करने नहीं आए, हम आपको वार्न करने आए हैं बस। चलिए धन्यवाद, एक मिनट रुको, आप ले अपना फोटो खींच, धन्यवाद।